तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक एम्पिडेंस एंड वी हैव नोटिस दैट कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट और दूसरा चीज़ क्या देखा था हमने कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं था तीसरी चीज़ क्या देखी थी कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस वाज नथिंग बट इट्स इट वाज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी तो कॉम्प्लेक्स नंबर था अच्छा इस लेक्चर में हमें क्या समझना कि व्हाट इज़ फेज व्हाट इज़ फेज डिफरेंस एंड व्हाट इज़ फेजर तो तीनों चीज़ों को देखते हैं तो लुक एट दिस डाइग्राम ये क्या है एक साइकिल है इसे क्या बोलते हैं एक साइकिल बोलते हैं ये कैसा वेव है साइन वेव है और लेंथ ऑफ वन साइकिल इज नोन एज वेव लेंथ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ अभी कि लेंथ ऑफ वन साइकिल इज नोन एज वेव लेंथ यहाँ पर एंगल कितना होगा जीरो डिग्री यहाँ नाइन्टी डिग्री वन एट्टी टू सेवेंटी थ्री सिक्सटी डिग्री अच्छा मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ लेमडा लेंथ के लिए कितना रोटेशन हुआ टू पाई रोटेशन हुआ तो यूनिट लेंथ के लिए कितना रोटेशन होगा टू पाई बाई लेमडा होगा तो एक्स लेंथ के लिए क्या होगा टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स होगा अच्छा दिस क्वांटिटी इज़ वेल नोन एंड दिस इज़ नथिंग बट इट्स दिस इज़ नोन एज इट इज़ नोन एज बीटा बीटा इज़ नोन एज फेज शिफ्ट कॉन्स्टेंट ओके तो अच्छा अब देखिए कि इस टर्म को क्या बोलते हैं दैट टर्म इज़ नोन एज फेज फेज़ बेसिकली क्या है किसका किसका मल्टीप्लिकेशन है टू पाई बाई लेमडा इनटू डिस्टेंस और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलने लगते हैं पाथ लेंथ बोलने लगते हैं तो यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आई कि जब वे प्रोपगेट करेगी तो जैसे जैसे प्रोपगेट करेगी तो उसका क्या होगा पाथ लेंथ चेंज होगा पाथ लेंथ चेंज होगा तो उसका क्या होगा फेज भी क्या होगा चेंज होगा चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे मैंने एक वेव बनाया है एंड इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थ्री मेगा मेगाहर्ट्ज़ और मैंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ़ फेज़ आफ्टर टेन मीटर अच्छा तो यदि मुझे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पता है तो कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या बिल्कुल कर सकता हूँ कैसे कर सकता हूँ देखिए c इज इक्वल टू क्या होता है c इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा देन ऑपरेटिंग वेव लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाई द वेल नोन इक्वेशन दिस वन एंड आई हैव कैलकुलेटेड हियर एंड आई गॉट हंड्रेड मीटर अच्छा किसी ने पूछा वेव लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई हंड्रेड मीटर फेज निकालना था कितने मीटर के बाद टेन मीटर के बाद तो फेज़ का इक्वेशन क्या होता 2 x. यहां पे क्या है टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए ये क्या आया पॉइंट टू पाई यानी क्या होगा यानी कि क्या होगा 10 मीटर के बाद वेव का जो फेज़ होगा पॉइंट टू पाई होगा तो अब एक नया टर्म अच्छा इसी तरीके से आप मान लीजिए 100 मीटर के बाद फेज़ कितना होता तो क्या लिखते हैं आप टू पाई वाई लेमडा इंटू हंड्रेड क्योंकि 100 मीटर बोल रहा हूँ तो टू पाई वाई लेमडा की वैल्यू कितनी हंड्रेड हंड्रेड, हंड्रेड 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 कैंसिल आउट तो हंड्रेड मीटर के बाद वेव लेंथ वेव का जो फेज़ होता वो कितना होता टू पाई होता अच्छा वट इज़ फेज डिफरेंस यदि आप देखिए इस डायग्राम को देखिए पॉइंट ए से वेव ऑरिजिनेट हो रही है और पॉइंट बी तक दोनों दो वेव ऐसी चल रही हैं और पॉइंट बी तक रीच कर रही हैं अच्छा ये ये क्या है ये यहाँ से पॉइंट ये कोई सोर्स है जो कि वेव्स को क्या कर रहा है जनरेट कर रहा है पहला पाथ देखिए पहले पाथ में ये वेव ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया और यहाँ तक पहुँचा तो इसका लेंथ कितना होगा ये पूरा लेंथ कितना होगा X1 होगा दूसरा देखिए दूसरे पाथ से वेव गया ये आया ऐसे आया ये ऐसा गया तो दूसरे पाथ का लेंथ क्या होगा X2 होगा अच्छा इसके लिए फेज कितना होगा इसके लिए फेज़ बीटा इंटू एक्स इसके लिए फेज़ कितना होगा बीटा इंटू एक्स टू दोनों वेव का क्या फ्रीक्वेंसी सेम है बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों एक ही जगह से ऑरिजिनेट हो रहे हैं तो फेज डिफरेंस कितना होगा फेज डिफरेंस कितना होगा बीटा टाइम्स ऑफ बीटा टाइम्स ऑफ दोनों में डिफरेंस ले लीजिए तो बीटा टाइम्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू यानी क्या समझ में आया कि ये एक्स वन माइनस एक्स टू इज़ नथिंग बट इट्स अ पाथ डिफरेंस यदि दोनों दोनों पाथ सेम होते तो क्या फेज डिफरेंस होता बिल्कुल भी नहीं होता तो ये बात मेरे ख़्याल से समझ में आई होगी कि फेज डिफरेंस डिपेंड्स ऑन पार्ट डिफरेंस है ना तो अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ फेज़र फेज़र में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को तो आज देखिए कि व्हाट इज़ फेज़र तो आप देखिए यहाँ पे एक साइन वेव बनाया है मैंने इसमें फिर से वही एंगल ज़ीरो डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री नाइन्टी डिग्री वन थर्टी फाइव वन एट्टी डिग्री अच्छा ये कौन सा डोमेन है टाइम डोमेन है और इसके रिस्पेक्ट में मैंने इस तरफ जो बनाया है फिगर वो कौन सा डोमेन है फेज़र डोमेन है चलिए जीरो फेज़र बेसिकली क्या होता है फेज़र इज़ नथिंग बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी तो फेज़र यदि वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा अच्छा देखिए जीरो एंगल पे मैंने एक फेज़र बनाया है फोर्टी फाइव डिग्री को इधर प्रोजेक्ट करिए तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा फेज़र की लोकेशन यहाँ आ गई नाइंटी डिग्री पे जाइए ये पॉइंट यहाँ प्रोजेक्ट करिए फिर से एक ऐसा फ़ेज़र बना दीजिए 90 डिग्री 135 डिग्री पे ये एक ऐसा फेज़र बना दीजिए 180 डिग्री पे ऐसा फेज़र बना दीजिए अच्छा क्या ऑब्ज़र्वेशन मिला ऑब्ज़रवेशन ये मिला कि वेनवर साइन वेव इज़ मूविंग इन पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन और इन राइटवर डायरेक्शन देन योर फेज़र इज़ रोटेटिंग इन एंटी क्लॉग डायरेक्शन अच्छा देखिए अब मैंने जो बात बोली कि फेज़र क्या है मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन भी है देखिए ये फेज़र का मैग्नीट्यूड है ये ये मैग्नीट्यूड है और इसका कुछ ना कुछ एंगल भी है तो एंगल क्या बताएगा डायरेक्शन और ये एरो का जो लेंथ होगा दैट इज़ नथिंग बट इट्स अ मैग्नीट्यूड तो फेज़र कैसा हुआ वेक्टर क्वांटिटी अच्छा कभी आपने देखा होगा कि फेज़र ये आर इंटू ई पावर आई थीटा फॉर्म ये कुछ नहीं ये फेज़र फॉर्म कहलाता है आर क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और थीटा क्या बताता है एंगल बताता है चलिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करिए ट्रांसमिशन लाइन में ऐसी एक इक्वेशन देखेंगे और किसी ने आपसे पूछते पूछ लिया कि क्या ये फेज़र फॉर्म है तो आप बोलना हाँ ये फेज़र फॉर्म है कैसे इससे कंपैरिजन करिए आर की जगह पे क्या लिखा वी माइनस ओवर वी प्लस थीटा की जगह पे क्या लिखा है टू बीटा एल लिखा हुआ है तो क्या ये इस इक्वेशन जैसा दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा फेज़र फॉर्म होगा तो चलिए आपने ट्रांसमिशन लाइन में दो इक्वेशन का सोल्यूशन लिखा था आप देखिए ये वी एक्स ऐसा लिखा था तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये फेज़र फॉर्म है बिल्कुल फेजर फॉर्म है कैसे देखिए व्ही प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स लिखा हो गामा को अल्फ़ा और बीटा के पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ इस गामा को भी अल्फ़ा और बीटा के पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ क्यों गामा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फ़ा प्लस जे बीटा अच्छा देखिए इसमें मैग्नीट्यूड कौन सा होगा ये वाला पार्ट क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा और ई पावर आई थीटा वाला फॉर्म क्या होगा फेज पार्ट को बताएगा देखिए इससे कंपैरिजन करिए आर की जगह पे क्या लिखा वी प्लस ई पावर माइनस अल्फ़ा एक्स थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ बीटा एक्स तो इसको इसको कौन सी वेव बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव इसको कौन सी वेव बोलते हैं बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव कहाँ से कहाँ मूव करती है सोर्स से लोड की तरफ और ये बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव लोड से सोर्स की तरफ अच्छा ये वोल्टेज कैसा है सम ऑफ दीज टू वेव्स तो क्या ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि वोल्टेज इज़ नथिंग बट वोल्टेज एट एनी पॉइंट इज़ नथिंग बट इट्स अ एडिशन ऑफ टू फेजर्स बिल्कुल बोल सकता हूँ देखिए ये एक एक फेज़र ये है एक फेज़र ये है ये ये इस तरफ क्या है वोल्टेज है तो इट्स इट इज़ नथिंग बट इट्स अ एडिशन ऑफ़ फेज़र अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक एक्सप्रेशन है ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा इसमें देखिए फेज़र 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 तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा फेज़र फॉर्म ऑफ वोल्टेज अच्छा यदि कभी ऐसा लिखा हो वी एक्स टी ये वी एक्स टी कैसे मिला होगा दोनों तरफ आप ई पावर जे ओमेगा टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर भी ई पावर जे ओमेगा टी का सॉरी इधर भी ई पावर जे ओमेगा टी का इधर भी ई पावर जे ओमेगा टी का ईव इधर भी ई पावर जे ओमेगा टी का तो देखिए आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा वी प्लस ई पावर माइनस अल्फ़ा एक्स ई पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स प्लस समथिंग तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज टाइम हार्मोनिक फॉर्म है ना तो ये टाइम हार्मोनिक फॉर्म है और ये फेज़र फॉर्म है दोनों में डिफरेंस क्या है यदि मान लो टाइम हार्मोनिक फॉर्म से फेज़र फॉर्म में जाना है तो जे ओमेगा टी का टर्म क्या कर दीजिए ड्रॉप कर दीजिए रिमूव कर दीजिए तो चलिए ठीक है इस लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट यदि आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट थैंक यू वेरी मच